हे वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। हम है समा गोड फार्म पे खेड़ में। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है मोहम्मद हुसैन भाई, गुलाम मोहिद्दीन मोहिद्दीन भाई और अयमन भाई। आपका नाम क्या है? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी, माशाल्लाह। क्या देख रहे हैं इसमें अभी हम? ये हंसा के बकरे हैं। ये अपने पास बच्चे थे तब से आए हुए हैं, बिल्कुल छोटे थे तब से इनको पाले, ब्रीडर के लिए इनको इस्तेमाल भी किए। अभी इनको सेल करना है कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के लिए ये सब सेल करना है। इसका नाम है अधीरा। अधीरा, अधीरा, माशाल्लाह। प्यार से पाला हुआ उसको, और तकरीबन वेट इसका 90 अबव है। 90 अबव वेट है। ये हमारा रॉकी, रॉकी इसका नाम है। ये रॉकी है, नंबर रॉकी। इसका 85 अबव है वेट। 85 अबाव वेट है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, मतलब गला पट्टी छोड़ दो उसको। गर्म है बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह। और ये कितने रात पे अहमद भाई? ये अभी 4 पे है। 4 पे है जी, ठीक है, माशाल्लाह। और क्या वेट बोले? 85 अबाव रहेगा। और जिस चीज को भी चाहिए उसको वेट की वीडियो मिल जाएगी, मिल जाएगी। वो आरिफ भाई से कांटेक्ट कीजिए। आरिफ भाई से, आरिफ भाई का नंबर मैं नीचे दे दूंगा। आरिफ भाई से व्हाट्सअप कॉल कीजिए या तो फिर व्हाट्सअप पे मैसेज डालिए। वो कॉल पे अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है। और तीसरा कौन सा? ये पुष्पा। थोड़ा चलाओ उसको, संभाल, पैंट खराब कर देगा। पुष्पा अभी भाई KGF के बड़े फैन लग रहे। KGF के सारे कैरेक्टर के नाम है अभी तक। एक बचा, एक नाम क्या था? एक था रॉकी। जी रॉकी बचा, राइट? ये रॉकी, अच्छा ये रॉकी हो गया। ये पुष्पा, अधीरा, वो अधीरा है। ओके, पूरा KGF के सब नाम तो हो गए, माशाल्लाह। और इनकी प्राइस जो रहेगी वो भी व्हाट्सएप पे ही आरिफ भाई से ही बात करो डायरेक्टली। आप आरिफ भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं प्राइस के लिए, प्राइस से। और वीडियो भी रिकॉर्डिंग आप आरिफ भाई से कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्ट उनसे बात कीजिए। तो भी आरिफ भाई ने कुछ आइडिया बताया क्या रेंज रहेंगी या डायरेक्ट पूरा कॉल पे? नहीं, वो बोले कि डायरेक्ट कॉल है व्हाट्सएप पे, डायरेक्ट आरिफ भाई के पास। आरिफ भाई वही से सारा कुछ ऑपरेट करेंगे, वही करेंगे, माशाल्लाह। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोड़ो, चला दो और बंद कर दो। चलो, ये कौन सा बोले आपको? नाम डालने पड़ेंगे, मैं भूल जाऊंगा ना। तो पुष्पा, पुष्पा इसका वेट अराउंड 80 अबव है। 80 अबव, और ये भी 6 दांत है। 4 दांत है, 4 दांत दोनों, दो 4 दांत है, 2 4 दांत, और ये 6 दांत है, माशाल्लाह। अधीरा 6 दांत है। और ट्रांसपोर्ट कहीं भी हो जाएगा, इंडिया में जहाँ भी मतलब पहुँचा पॉसिबल होगा वहाँ पे आप पहुँचा देंगे। और ये क्लाइंट का रहेगा, जो भी खर्चा रहेगा वो क्लाइंट करेगा, माशाल्लाह। ये ट्रांसपोर्टेशन अपना क्लाइंट क्लाइंट करेगा जी। इसमें अभी अपने जो बकरे देखे सारे जो सेल के लिए थे, इनको आपने बोले बहुत छोटे लाए थे, बराबर? जब से लाए थे जब से क्या फीड डाल रहे हैं? ये जो अपना एडिलेड, गोला जीरा है। हाँ, गोला जीरा है, ये दाना है, मिक्स फीड है, चार पांच तरह का अलग अलग फीड है, मिक्स फीड है बेसिकली। तो ये उनको डेली खिला रहे जी। इसके अलावा हरी पत्ती है, हरी पत्ती भी है। अभी जो बकरे दूसरे जो पलाई पे आपके पास आएंगे वो बकरों को भी सेम फीड रहेगा? सेम फीड रहेगा इसके अंदर। और स्पेशल पलाई जो रहेंगी उसके अंदर अलग से फीड, उनको अलग फीड दिया जाएगा। और हरी पत्ती भी जो है वो डबल फिल्टर, डबल फिल्टर हरी पत्ती है, माशाल्लाह। वो भी स्टॉक पूरा भरा हुआ है, एक ही टाइम में पूरा मतलब मंगवा लेते हैं सब, पूरा, माशाल्लाह। तो हम उसका सेटअप भी देखते हैं, पूरा अंडुल का भी सेटअप देखते हैं। चीजें अभी यहाँ पर आपको कहीं नजर नहीं आएंगी, जो दाना है ना, हाँ, ये फॉर्म पे आपको नजर आएगा पूरे एरिया में, आप कहीं भी देख लो। अच्छा, ये दाना कोई खिलाता नहीं इधर, कोई फॉर्म, अगर छोटे मोटे फॉर्म है इधर फिर भी, हाँ, ये दाना कोई नहीं खिलाएगा इधर। अच्छा, ये दाना इधर अपने बकरों को खिलाते हैं। और आपने रिजल्ट तो देख लिया कैसे? रिजल्ट तो माशाल्लाह अच्छा है। ये दाने से जो रिजल्ट है वो नॉर्मल दाने से कई रिजल्ट नहीं मिलेगा इसे। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये जो बच्चे एकदम छोटे जो लाए थे, ये कितने साल रखे आपने? मतलब 4 दांत पे है, 1 साल? अभी ये गए साल बच्चे बिल्कुल छोटे हैं,
फार्म को तो एक साल भी नहीं हुआ, एक साल हो गया ना फार्म को। एक साल में आपने रिजल्ट देख लिया उनका माशाल्लाह, उनसे ब्रीडिंग भी अच्छी आ रही है। ब्रीडिंग भी अच्छी, ब्रीडिंग लेने के बाद भी उनकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी है। आपके पास बकरियाँ कितनी है जिनसे इनसे ब्रीडिंग लिया जा रहा है? तकरीबन एक 40 बकरी है। 40 बकरी है इनसे ब्रीडिंग ली जा रही है, मतलब 5 बकरों से। बड़ा है बकरी और अच्छा आई बकरी। नहीं, ये 5 भंसा से कितनी बकरियां ब्रीड ली जा रही है? 40 बकरियां है। 30-40 बकरियां उसी से ब्रीडिंग ली जा रही है। फिर भी माशाल्लाह अच्छी हेल्थ है उनकी। तो और इसके अलावा क्या दूध वगैरह भी देते? नहीं, दूध वगैरह नहीं, मतलब ये खाना यही चलता है। यही चलता है, खाना है, वैक्सीनेशन है, टाइम टू टाइम सारा होता है उनका, जो है सब वैक्सीनेशन दिया हुआ है। और डॉक्टर वाकई विजिट करता है, डॉक्टर भी, और ये अपने रखे हुए हैं ना उनको सब आता है, मतलब आरिफ भाई भी तो डॉक्टर ही बने ना। आरिफ भाई भी तो इंसानों के डॉक्टर है आरिफ भाई, उनको काफी नॉलेज है, नॉलेज है उनको। और उनके जो वालिद है असलम भाई, वो उनसे ज्यादा उनको तजुर्बा है माशाल्लाह, जानवर है और वो कुएं से सारा हैंडल कर, सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं। उनको जितना तजुर्बा है उतना शायद यहाँ किसी को तजुर्बा नहीं। उन्होंने काफी फॉर्म पे विजिट भी किए, हर जगह आए गए, उन्होंने सारा देख कर फिर उन्होंने फॉर्म स्टार्ट किए। अच्छा जी, ऐसा है। तो असलम भाई उसमें मेन पार्ट है, आरिफ भाई का शौक है, आरिफ भाई का शौक, आरिफ भाई का तो समझो बहुत शौक है। उन्होंने बचपन से घर में बच्चे पाल के बड़े किए बकरे के, रहने को बेसिकली आरिफ भाई भी किधर डुंगरी पर रहने के लिए, और यहाँ पे फार्म है। तो यही सोचो कितना बड़ा शौक है, पहले फ्लैट में बच्चों को बड़े किए, फिर अभी फार्म में बड़े कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि कॉल ना करें आरिफ भाई को, आरिफ भाई को व्हाट्सअप कॉल करें और व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट करो। इसका जितना भी डिटेल है वेट रिगार्डिंग या प्राइस के रिगार्डिंग, वो आपको व्हाट्सअप पे ही मिलेगा जी। ठीक है, चलेगा, ये नंबर दिया जाता है व्हाट्सअप पे, उसके नीचे कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।